लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत दिनों से ढूंढ रहा था तुझे। अच्छा, तो वो तुम थे? हाँ, वो मैं ही था। बताओ, वो लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की? जिसे तुम मेरी पीठ पीछे उठा लाए थे। लड़की मेरे हवाले कर दो। लड़की का बहाना छोड़, अगर जेल का धुरा ऐसा पूरा करना है तो ये पिस्तौल फेंक और देख मर्द की मर्दानगी। तुम दोनों भाई हो। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया बड़े भाई, जिसके लिए मुझे तेरी नजरों में शर्मिंदा होना पड़े। पर वो खाना क्यों नहीं खाती? क्या मालूम साहब, कल से जब भी मैं खाना ले जाता हूँ उठाकर बाहर फेंक देती है। हर वक्त चिल्लाती रहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे बाहर निकालो। ठीक है, तुम आओ मेरे साथ, मैं देखता हूँ उसे। About the blah, 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 blah. Huh?
बोल सही, सुरजन, टाइगर, हरामजादा वाली लड़कियां भाग के उनके पीछे करो, चल दे। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं ठाकुर साहब, निशा जी नहायत ही समझदार लड़की है, और फिर उसे लापता हुए सिर्फ दो ही दिन तो हुए हैं। आपको याद है पिछली बार वो पूरे 6 दिनों के बाद मिली थी, और वो भी एक शिकार के पीछे। पिछली बार और इस बार में बहुत फर्क है थानेदार साहब, आप उसकी जल्दी शादी होने वाली है। ओ, मैंने निशा की शादी ठाकुर रणवीर सिंह के लड़के रणजीत। ये तस्वीर, ये बहुत ही मशहूर बदमाश रंजीत की तस्वीर है ठाकुर साहब, जिसकी जिंदगी के आधे दिन जेलों और हवालातों में कटे। क्यों, क्या बात है ठाकुर साहब? उठा लो ठाकुर और गिन लो, तुम्हारे यहाँ जान की कीमत सिर्फ 5,000 रुपए है ना, इसलिए तुम्हारी जान लेने से पहले हम तुम्हारी जान की कीमत चुकाने आए हैं। क्या बकवास कर रहे हो, कौन हो तुम? हम कौन है ये आपका पालतू कुत्ता आपको बताएगा? ठाकुर साहब, ये दोनों उस मजदूर लीडर कालीचरण के बेटे हैं। हाँ, और बेटे अपने बाप के खून का हिसाब चुकाने आए हैं। आज कितना नहीं बचेगा ठाकुर, आज नहीं बचेगा। नहीं, तू इन्हें नहीं मार सकता, ये मेरे पति है बेटा। तू तो इकबाल का दोस्त है ना, तू मेरा इकबाल है, तू अपनी माँ की मांग का सिंदूर मिटाएगा? नहीं बेटा नहीं, इन्होंने जो कुछ किया है इन्हें माफ कर दे, मेरी खातिर माफ कर दे बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें माफ कर दे।
नहीं माँ जी, खून कभी माफ नहीं किया जाता। इसने हमारे पिता को हमसे छीना है, हम इसे इसकी जिंदगी छीन लेंगे। नहीं करें, एक सुहागन का सुहाग छीनने का तुझे कोई हक नहीं। जिसने मेरी माँ को विधवा बनाया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या यही इंसाफ है तेरा? तू दूसरों को जिंदगी नहीं दे सकता, पर तेरे पिताजी ने दूसरों के लिए अपनी जिंदगी दे दी। मैं विधवा होते हुए भी उस देवता की याद में हमेशा सुहागन बनी रही, पर ये देवी तो सुहागन होते हुए भी आज तक विधवा बनी रही। तू अगर इसका सुहाग उजाड़ना चाहता है तो पहले तुझे अपनी माँ के खून का बलिदान देना होगा, क्योंकि विधवा होने का दर्द तू नहीं, तेरी माँ समझ सकती है। चला चला गोली चला। शिवा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा। आज तक मेरी आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ा रहा, मैंने हर किसी को गलत समझा। आज मुझे पता चला, जिससे मैं अपनी बेटी की शादी करने जा रहा था वो कमीना यहाँ मौजूद है ठाकुर साहब, क्योंकि उसे निशा के साथ साथ आपकी सारी दौलत भी चाहिए। कपड़ा।